आज हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें एक घमंडी परिवार और एक मिडिल क्लास फैमिली की नोकझोंक देखेंगे। और इन्हीं नोकझोंक को मिटाते मिटाते रॉकी और रानी को कब प्यार हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता। और ऐसी फैमिली को देखते हुए क्या अंत में वो एक हो पाएंगे, तो जानते हैं मूवी में। मेरा नाम है सागर वाघेला, स्वागत है द 93 में। कहानी की शुरुआत में हम रॉकी को देखते हैं जो मनमोजी बंदा है और उसे बॉडी बनाने का बहुत शौक है और वो बहुत अमीर है क्योंकि वो इंडिया के सबसे बड़े और फेमस ब्रांड धनलक्ष्मी मिठाई का अकेला वारिस है और सालाना इनकम 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और धनलक्ष्मी नाम के जरिए रॉकी के परिवार का एक अलग ही स्टेटस है और रॉकी हमेशा रंगी बिरंगी कपड़े पहनता है, इस कारण वो सबसे निराला दिखता है। और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाता। सालों से मिठाइयों के कंपनियों को चुनौती देती हुई अपना दबदबा बनाने वाली रॉकी की दादी धनलक्ष्मी, जिनके नाम से धनलक्ष्मी मिठाई का ब्रांड नाम बना है, इसी के साथ वो बहुत ही पुराने ख्यालों की है और हर चीजों में अपना कंट्रोल रखती है। और वो अपने पैसों से इतना लगाव रखती है कि अपने बेटे का नाम तिजोरी रखती है जो रॉकी के पापा है, जो दादी के नक्शे कदम पर चलते है और वो उनके हर हाँ में हाँ मिलाते है। और रॉकी के एक प्यारे दादाजी भी है जिन्होंने एक खूबनाक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपनी यादें गवा दी, इस वजह से उन्हें कभी कभी याद नहीं आता और कभी सब भूल जाते हैं। रॉकी के नजरों में उनके दादा उसके सबसे अच्छे दोस्त है जो हमेशा बुरे वक्त में दोस्त के साथ होता है। रॉकी की माँ जो सिर्फ घर का काम संभालती है और इसी के साथ शादी के बाद उन्होंने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते है। रॉकी की और एक बहन है जो अपने शरीर के चलते थोड़ी हेल्दी है, इसी के चलते उसे शादी के लिए उसे रिश्ता नहीं मिल रहा, पर वो अपने फैशन को फॉलो करती है जो इंटरनेट पर सट्टा लगाती है। एक दिन रॉकी के पापा सभी कंपनियों के लिए एक पार्टी रखते हैं, पर वहाँ रॉकी अतरंगी डांस करता है और ये देखकर रॉकी के पापा को अच्छा नहीं लगता। तभी एक पुराना क्लासिक गाना बजता है, गाना सुनते ही रॉकी के दादा पुरानी यादों में लौट आते है और वो वहाँ एक महिला के गाल पर किस करते है और उसे जामिनी कह के आवाज देते है। और ये नजारा देख कर धनलक्ष्मी को काफी जलन होती है। फिर हम देखते हैं बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर होने के कारण दादा की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है और वो अब ज्यादा बोलने लगते हैं, पर वो एक चीज नहीं बोले थे, जामिनी का नाम। यह देखकर रॉकी को कहीं ना कहीं लगता है कि दादा अपने वक्त में किसी से प्यार करते होंगे और वो जामिनी की तलाश में निकलता है। फाइनली जामिनी नाम की लड़की का एक एड्रेस रॉकी को मिलता है और वो अपने दोस्त विकी को लेकर जामिनी के घर आ जाता है। फिर हम रानी को देखते हैं, जो एक न्यूज कंपनी में काम करती है और वो एक रिपोर्टर है जो बहुत ही बोलती है और वो बातों में किसी को भी चुप करा देती है। रॉकी रानी के पास मदद के लिए आता है और उसे अपने अंदाज में इम्प्रेस करता है और रानी पतरंगी रॉकी को देखकर खुश हो जाती है और रॉकी रानी से पूछता है, क्या तुम्हारी दादी जामिनी जिंदा है अभी तक? रानी हाँ कहती है। रॉकी रानी को बताता है कि उसके दादा कई दिनों से बार बार जामिनी का नाम पुकारते हैं और जामिनी दादी एक बार मिल जाए तो दादा को बहुत खुशी होगी। और रॉकी अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानी घर लौटती है तो फिर हम रानी का परिवार देखते है जो जामिनी के साथ ही रहते है। रानी की माँ एक टीचर है, रानी के पापा एक कत्थक डांसर है। रात होती है, रानी रॉकी के दादा का जिक्र अपनी दादी जामिनी से करती है तो दादी अपनी पुरानी लव स्टोरी रानी को बताती है कि कमल जी उसे अपनी जवानी के सफर में शिमला ट्रिप पर मिले थे और दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, पर हम दोनों शादीशुदा थे तो दोनों ने अपने परिवार को चुना, पर हम दोनों को कुछ समय के लिए इतना प्यार हो गया था कि 7 जन्मों तक हम साथ रह सकते थे। ये स्टोरी सुनकर रानी रॉकी को फोन करती है और मिलने को बुलाती है, पर रॉकी रानी को अखाड़े में बुलाता है। रानी रॉकी से मिलती है और बोलती है कि उन्हें एक बार दादा दादी को फिर मिलाना होगा, पर रॉकी कहता है कि मेरे दादा की तबीयत के कारण वो बाहर नहीं जा सकते। तो रानी तय करती है कि हम दादा दादी को तुम्हारे घर पर मिलाएंगे और रानी अपने परिवार के साथ रॉकी के घर आ जाती है। जामिनी रॉकी के दादा को पुरानी बातें याद दिलाती है पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आता तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी दादा को कुछ याद आता है और वो एक सुंदर रोमांटिक गाना गाते हैं और जामिनी का हाथ पकड़ लेते हैं, पर ये सब धनलक्ष्मी देख रही थी और वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और रानी के परिवार को वहाँ से जाने को कहते हैं। अब रॉकी रानी को पता चल चुका था कि दादा दादी अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो ठान लेते हैं कि अब तो उन्हें मिलाना ही है और ऐसे ही कई दिन वो दोनों को चुपके से मिलाते हैं
और इस दौरान रॉकी रानी को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर एक दिन जामिनी रानी को पूछती है क्या वो रॉकी को पसंद करती है, तो रानी बताती है कि मुझे लगता है वो मेरे जैसा नहीं है, वो काफी अलग है और वो उसे पसंद करती है पर वो उससे प्यार नहीं करती। तब जामिनी रानी को बताती है कि अगर तुम्हें कभी ये महसूस हो के तुम्हें प्यार हो गया है तो तुम उसे कभी मत ठुकराना, वरना वो पल चला जाएगा और तुम पूरी जिंदगी मेरी तरह पछताओगी। कुछ दिन बीतते हैं, पर एक दिन रानी के बर्थडे पर अनोखी बूंदी के लड्डू को काटने को कहता है और कुछ दिन बाद रॉकी रानी को प्रपोज करता है। पर रानी रॉकी को बताती है कि इतने दिनों तक हमने जो किया वो बस हमारा अट्रैक्शन है, तुम और मैं काफी अलग है जहाँ पर हम मैच नहीं करते, और तो और हमारे परिवार की दुश्मनी जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसी के कारण हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रानी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने रॉकी के साथ गलत किया। फिर वो उसे फोन करती है, पर रॉकी नाराज था तो उसने उसका मोबाइल ब्लॉक किया था। फिर रानी कुछ दिन रॉकी की यादें भुलाने के लिए कश्मीर आती है, पर शायद उसे प्यार हो गया था इसलिए हर जगह उसे रॉकी नजर आने लगता है और इसी के चलते उसका काम पर मन नहीं लगता, तो वो रॉकी से मिलने आती है और रॉकी उसे भाव नहीं देता। रॉकी चला जाता है तो रानी उसके कार का पीछा करते हुए उसे ठोक देती है। इस वजह से रॉकी काफी गुस्सा हो जाता है, दोनों में बहस हो जाती है और रानी उसे बताती है कि इस बार उसे सच में प्यार हो गया है और दोनों में सुलह हो जाती है और वो गले मिलते हैं। पर अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल थी कि उनके परिवार काफी अलग है और ना रानी का परिवार रॉकी को एक्सेप्ट करेगा और ना रॉकी का परिवार रानी को कभी अपनाएगा। तो रानी को एक ख्याल आता है कि वो 3 महीने तक एक दूसरे के घर स्विच करेंगे और इस कारण दोनों परिवार एक दूसरे को समझ पाएंगे। रानी का परिवार तो झट से मान जाता है, पर रॉकी का परिवार अड़ियल और पुराने विचारों का था। जब ये सारा मामला रॉकी अपने परिवार को समझाता है, पर रॉकी के पापा तिजोरी गुस्सा हो जाते हैं और वो रॉकी पर हाथ उठा देते हैं। पर तभी धनलक्ष्मी तिजोरी को रोक देती है और वो रॉकी के बातों पर गौर करते हुए मान जाती है और वो एक शर्त रखती है, अगर 3 महीने बाद भी अगर रानी उसका दिल नहीं जीत पाई तो रॉकी को वही करना होगा जो दादी कहेगी। रॉकी मान जाता है, पर तभी तिजोरी को धनलक्ष्मी बताती है कि उसने रॉकी की आंखों में प्यार देखा है और वो रानी के लिए कुछ भी कर सकता है और वो समझाती है कि रॉकी उसका वारिस है और वो उसे खो नहीं सकते। आखिर वो दिन आ जाता है जब रानी रॉकी अपना घर स्विच करते हैं। रॉकी रानी के घर आकर सबको गले लगाता है, पर रानी के परिवार को ये अजीब लगता है क्योंकि इसकी उन्हें आदत नहीं थी। रॉकी को रानी के घर पर काफी मुश्किल आने लगती है क्योंकि वो अपने घर पर सारा काम वो दूसरों से करवाता था और उसे कभी गैस जलाने की नौबत भी नहीं आई, पर यहाँ उसे हर काम अपने हाथों से करना पड़ता है। और रानी के घर पर सब इंग्लिश में बात करते थे, पर रॉकी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब भी रानी का परिवार इंग्लिश में रॉकी को कुछ बोलते तो रॉकी उसे कुछ और ही समझ जाता। यहाँ रॉकी के घर पर रानी को भी मुश्किल आ रही थी और रानी को दादी पसंद नहीं कर रही थी और उसने ठान लिया था कि वो रानी को कभी भी नहीं अपनाएगी। उसी दिन घर पर पूजा थी और रानी सर पर पल्लू लेना भूल जाती है। दादी उसे पल्लू सर पर रखने को कहती है। रानी रॉकी पूरी कोशिश कर रहे थे परिवार का दिल जीतने की और वो कुछ दिनों में सफल भी हो जाते हैं। यार रॉकी भी अब घर के सारे काम खुद करना सीख गया था और रानी भी रॉकी की माँ और बहन से काफी करीब आ गई थी और उसे रॉकी की बहन चुपके से सट्टा लगाती है। पर माँ ने तो शादी के बाद जिम्मेदारी में सपनों पर पानी फेर दिया था, तो रानी उन्हें प्रेरित करती है और दादी अभी भी इतने दिनों के बाद भी रानी को पसंद नहीं कर रही थी। एक दिन रॉकी का दोस्त विक्की के घर पर पार्टी थी, वहाँ दोनों परिवार एक साथ आते हैं तो जानबूझकर दादी सबको बताती है कि रानी के पापा बहुत अच्छा कथक डांस करते हैं। रानी के पापा स्टेज पर आ जाते हैं कथक करने, जो उनका बचपन से सपना था कि वो एक दिन लोगों के सामने स्टेज पर कथक करें। रानी के पापा अच्छा कथक करते हैं, पर कथक एक आदमी कर रहा था, यह देखकर सब हंसने लगते हैं और यह सब देखकर रानी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रॉकी उनके पीछे जाता है और रॉकी रानी के परिवार को सॉरी कहता है, पर उसी वक्त रॉकी को पता चलता है कि रानी के पापा को बचपन से कथक का शौक था और उन्हें बचपन से अब तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया और रॉकी अपनी एक स्टोरी शेयर करता है और वो काफी दुखी हो जाते हैं और रानी का परिवार रॉकी को अपना लेते हैं। सब ठीक चलता है, पर इतने महीने गुजर चुके थे पर यहाँ अभी भी दादी रानी को पसंद नहीं करती। एक दिन रानी के घर पर दुर्गा पूजा होती है तो रॉकी के परिवार को भी आमंत्रित करते हैं और वहाँ रानी के पापा के साथ मिलकर रॉकी भी कड़क डांस करता है। पर यह देखकर धनलक्ष्मी और रॉकी के पापा तिजोरी इनको बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। रॉकी उन्हें रोकने जाता है और रॉकी और उसके पापा के बीच झगड़ा हो जाता है और रॉकी के पापा
रानी के परिवार के खिलाफ काफी बुरी बातें करते हैं, पर तभी वहाँ ये बात रानी सुन लेती है और अपने परिवार की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और तिजोरी को काफी कुछ सुना देती है और रानी से रॉकी के पापा को धक्का लग जाता है। ये देखकर रॉकी को काफी बुरा लगता है और वो भी रानी को कुछ बातें सुना देता है। दोनों अपना रिश्ता तोड़कर अलग हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और रानी का परिवार रॉकी को अपना चुका था, उसे पसंद करने लगे थे। पर रानी को लग रहा था कि रॉकी अभी भी उसके लिए ठीक लड़का नहीं है, पर उसके परिवार को लग रहा था कि रॉकी उनके लिए सही लड़का है। पर रॉकी के घर पर सब उसे चिल्ला रहे थे और भला बुरा बोल रहे थे, पर तभी रॉकी की माँ को देखते हैं, जिसने रानी के कहने पर अपने सपनों को दोबारा जिंदा किया था और उसने एक सिंगर कंपटीशन में हिस्सा लिया था जो उस वक्त टीवी पर आ रहा था। और ये देखकर रॉकी के पापा उसकी माँ पर हाथ उठा देते है, पर रॉकी उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें समझाता है रानी का आपको धक्का लगा था तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया था, पर अब उन्होंने उसकी माँ पर हाथ उठाया है जो उसके लिए भगवान है, मतलब मुझे भी ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। पर तभी दादा रॉकी को समझाते हैं कि तुम अपना रिश्ता मत तोड़ो, और तभी उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो गुजर जाते हैं। अब रॉकी काफी अकेला पड़ गया था और यहाँ रॉकी के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब दादा का अंतिम संस्कार था तो रॉकी के पापा ने जामिनी को भी आने दिया। रॉकी के पापा अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं और अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं, क्योंकि वो अब समझ चुके थे सही क्या है और गलत क्या। वक्त बीतता है, एक दिन रॉकी का परिवार रानी के घर रॉकी का रिश्ता लेकर आते हैं और रानी को बाहर जाने को कहते हैं। रानी बाहर आती है तो वो देखती है बाहर रॉकी भारत लेकर खड़ा था। रानी रॉकी फिर एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दादी भी अब सुधर जाते हैं। अपना अहंकार भुलाकर रानी को एक चिट्ठी भेजती है, अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है और फाइनली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सफल हो जाती है। इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, इसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।